आज हम नारी तू नारायणी इस विषय पर कुछ चिंतन मनन करेंगे। हमारे यहां मूल रूप में वस्तुतः नर और नारी को अभेद माना है, दोनों में कोई भेद नहीं माना गया। तत्वतः परमार्थतः स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी बहुत सुंदर बात करते थे कि नर और नारी में भगवान एक ही विराजमान है, नर और नारी में आत्मा एक ही है, नर और नारी में जो प्रकृति है वो एक ही है, नर और नारी में जो पंच महाभूत है वो एक ही है, नर और नारी में जो मनुष्यत्व है वो भी एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। भेद कहां उपस्थित होता है? जब शारीरिक रचना की बात आती है, जब मानसिक बात आती है, जब साइकोलॉजी की बात आती है, तब मानस शास्त्र की दृष्टि से सबका ही भेद भिन्न भिन्न होते हैं और ये आवश्यक भी होते हैं। हमारे यहां दोनों में जो भेद है, जैसे ब्राह्मण कर्म स्वभावजम, क्षत्रिय कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, शूद्र कर्म स्वभावजम, ये उनका सहजिक स्वभाव है, वैसे नारी का भी कोई ना कोई सहज स्वभाव है, पुरुष का कोई ना कोई सहज स्वभाव है, और इसके कारण से दोनों में कोई ना कोई भिन्नता प्रतीत होती है, लेकिन दोनों मिलकर एक पूर्ण रूप बनता है। दोनों नहीं मिलते तब तक पूर्ण रूप नहीं बनता। इसलिए जिन लोगों ने वैज्ञानिक संशोधन किए उन लोगों ने भी ये माना है कि पुरुष जो है वो त्याग प्रधान है, और कारण यह है कि पुरुष के अंदर सूर्य तेज अर्थात सौर की प्रधानता रहती है और स्त्री के अंदर चंद्र की प्रधानता रहती है। पुरुष में जो सौर प्रधानता है तो उसके जो गुण लक्षण हैं, प्रकाश है, दंड है, अनुशासन है, वो उसमें दिखाई पड़ते हैं और दिखाई पड़ने भी चाहिए। वैसे ही स्त्री में जो चंद्र शक्ति है वो विशेष रूप से दिखनी चाहिए और उसमें जो शीतलता है, कोमलता है, रुजुता है, वो उसमें दृष्टिगोचर होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो समझा जाए कि ये योग्य नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी कारण से पुरुष त्याग प्रधान है और स्त्री तप प्रधान है। पुरुष वीर्य का त्याग करके अपनी जिम्मेवारी मान लो जैसे पूर्ण कर ली और वो एक निरुत्साही होकर लौट जाता है, जबकि स्त्री उसे को ही धारण कर 9 महीने तक तप करती है और उसी तप के परिणाम स्वरूप एक नया प्रादुर्भाव होता है, उसी से दिखता है कि स्त्री की प्रधानता तप की है, स्त्री की प्रधानता सेवा की है। इसलिए भगवान मनु ने भी लिखा कि जैसे क्षत्रियों को लड़ने के लिए लगाया जाए, वैश्यों को व्यापार के लिए लगाया जाए, वैसे गृह कार्य के लिए स्त्रियों को लगाया जाए। ऐसा लिखने के पीछे वो जानते हैं कि वुमन साइकोलॉजी क्या है, उनका जो स्त्रीगत स्वभाव है वो स्वभाव ही सेवा का है। पुरुष और स्त्री में वस्तुतः कोई भेद न होने के कारण हमारे यहां ब्रह्म की जब व्याख्या करते हैं तो ये बात बताते हैं न नपुमान न स्त्री न नपुंसक। जो ब्रह्म है वो पुरुष भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है और नपुंसक भी नहीं है। ब्रह्म शब्द की बात नहीं कर रहे हैं हम, ब्रह्म शब्द है वो नपुंसक लिंगी है, लेकिन जहां तक ब्रह्म की बात है तो वो पुरुष नहीं है, वो स्त्री भी नहीं है, अर्थात वो पुरुष भी हो सकता है,
स्त्री भी हो सकता है, जब चाहे जैसा चाहे रूप लेकर वो आपके सामने सगुण साकार रूप में आ सकता है। और इसी कारण हमारे यहाँ परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में आता है। रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव, ये वेद का सिद्धांत है। भिन्न भिन्न रूप में जब चाहे जैसा रूप लेकर परमात्मा उपस्थित होता है। इसीलिए हमारे यहाँ विष्णु के आप दशावतार ही देख लीजिए, जब चाहा भगवान ने जैसा चाहा ऐसा रूप धारण किया। और कैसा रूप धारण किया? वो मत्स्य बनकर आया, वो कुर्म बनकर आया। मत्स्य कुर्म वराहस्त नारसिंहो अथवामन रामो रामस्त कृष्णश्च, भिन्न भिन्न रूप में भगवान आते हैं। और वही भगवान नर और नारी के रूप में भी विद्यमान रहते हैं। इसलिए आप जब आद्य शक्ति की आरती गुजराती में गाते हैं तो उसमें भी यही बोलते हैं, नर नारी ना रूपे व्याप्या सगले मा। अर्थात आप नर और नारी के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। भगवती जो महालक्ष्मी महाकाली या महासरस्वती है वो और कोई नहीं, भगवान ही है, ईश्वर ही है। केवल रूप बदलता है, ईश्वर का तत्व नहीं बदलता। इसलिए उसके नाम बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं, तत्व नहीं बदलता। और इसीलिए वो नारायणी बनकर आती है, वो शिवा बनकर आती है, वो ब्रह्माणी बनकर आती है, वो लक्ष्मी सरस्वती या काली बनकर दिखाई पड़ती है। वस्तुतः वो ब्रह्म ही है लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। जब तक आप भगवान को नर के रूप में देखते हैं वैसे ही आप भगवान को नारी के रूप में देखते हैं, लेकिन दोनों जब पृथक दिखाई पड़ते हैं तब किसका महत्व ज्यादा? तो हमारे यहां ऐसा कहा गया कि कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में अगर किसी की आपको पूजा करनी और शीघ्र फल चाहिए तो विनायक और देवी की पूजा करें। इसलिए हमारे यहां देवी का महात्म्य अत्यधिक है, पुरुष से भी अधिक देवी का महात्म्य है। अर्थात स्त्री का महत्व पुरुष से भी अधिक माना गया है। श्रीमद् भागवत जी में भी नारायणी शब्द आया है, जैसे नारायण शब्द है उसी से बनता है नारायणी। अर्थात नारायण की जो शक्ति है उसी का नाम नारायणी है, शिव की जो शक्ति है उसी का नाम शिवा है, जो ब्रह्मा की शक्ति है उसी का नाम ब्रह्माणी है। अर्थात जो शक्ति के रूप में मूल स्रोत दिखाई पड़ती है वही नारायणी है। और वही नारायणी हम नारी के रूप में क्यों देखते हैं? तो उसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती देखनी पड़ेगी। और दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के 6वां श्लोक आपको पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत सुंदर बात आई है। विद्या समस्ता तव देवी भेदाहा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। हे देवी, जितनी भी विद्याएं दिखाई देती है वो तेरे ही भेद है, और समस्त ब्रह्मांड में जितनी स्त्रियां दिखाई देती है वो सारी की सारी स्त्रियां सकला जगत्सु, जितनी दिखाई पड़ती है वो तेरे ही रूप है। अर्थात जो स्त्री रूप दिखाई पड़ता है नारी में वो साक्षात नारायणी का ही स्वरूप है। जब नारायणी साक्षात स्त्री के रूप में दिखाई पड़ती है उस नारायणी का महत्व कब बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है? और उसकी मूल प्रकृति को देखकर अगर उसको सही तरह से संजोया जाए तो ही नर का उत्थान संभव है। अगर स्त्री पूर्ण रूप से नर के साथ नहीं जुड़ सकती तो नर का उत्थान संभव नहीं है। और इसीलिए भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवती। हे भगवती, कुपुत्र तो संभव है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं बनती। इसलिए नारी का जब स्वरूप देखा जाता है तो हम मां के रूप में देखते हैं। नारी को केवल पत्नी नहीं, नारी को केवल भोग्या नहीं समझा जाता, हम नारी को मां के रूप में देखते हैं। और इसलिए जब विद्या की प्राप्ति करनी हो तो किससे मांगते हैं? हम सरस्वती से मांगते हैं। जब हमें बल की प्राप्ति करनी हो तो महाकाली से मांगते हैं। जब धन की प्राप्ति करनी हो तो महालक्ष्मी से मांगते हैं। अरे, इस पृथ्वी को भी हमने धरती मां कहा
अरे केवल भारत माता का भी वर्णन किया तो उसको हमने माँ कहा। दुनिया में ऐसी कोई प्रजा नहीं है वो अपने देश को माँ कहता हो, वो केवल भारत भूमि है जिसमें अपने देश को माँ कहा गया। इसलिए हमारे यहां माँ की ममता, माँ का जो गुणाधान है वो सबसे अधिक होता है। और वही नारी शक्ति जब पुरुष शक्ति के साथ जुड़ जाती है, अर्थात शक्ति स्वरूपा नारी पुरुष से जुड़ जाती है, तभी पुरुष शक्तिमान होता है और तभी अपने जीवन के उच्च लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अगर नारी उसके साथ में नहीं है तो अकेले पुरुष का पहुंचना असंभव हो जाता है, अर्थात कष्टदायी हो जाता है। कभी कभी कोई पहुंच भी जाता है ज्ञान के कारण, लेकिन अधिकतर प्रायः ऐसा होता है कि जब तक नारी नहीं जुड़ती तब तक पुरुष का आगे बढ़ना संभव नहीं होता। और इसी बात को भगवान शंकराचार्य ने अपने स्तोत्र में लिखा। और आचार्य शंकर ने क्या कहा देवी की स्तुति करते हुए, दिव्यापराध क्षमापन स्तोत्र में भगवान कहते हैं, चिता भस्मालेपो गरल मशनम दिक पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। क्या कहते हैं भगवान आचार्य शंकर, कहते हैं हे भगवती, ये जो भगवान शंकर हैं वो कैसे हैं उनका वर्णन करते हैं। तो भगवान शंकर कैसे हैं, चिता भस्मालेपो, चिता की भस्म लेकर धारण करते हैं, गरल मशनम, गले में तो उन्होंने जहर धारण किया है, विष धारण किया है, गरल मशनम दिक्पट धरो, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, कभी कभी मृगचर्म पहनते हैं, कभी कभी गजचर्म पहन रहे हैं, कभी कभी तो वैसे ही दिगंबर होकर घूमते रहते हैं, और जटाधारी कंठे, बहुत बड़ी जटाएं बढ़ गई है, न तो उनका रूप का कोई भान है उनको, भुजगपति हारी पशुपति, गले में माला भी कैसी डाली है, वो भी सर्पों की डाली हुई है, ऐसा अमंगलकारी रूप आपने किसी का नहीं देखा होगा। जब आप किसी को देखना चाहते हैं तो बहुत सुंदर हो, सुव्यवस्थित हो, बाल लाड़ी बनाए हुए हो, अच्छे से, भले ही आपने पाउडर का श्रृंगार न किया हो, लेकिन अच्छे से रूप बनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, ढंग से माला डालकर अगर कोई जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन भगवान शंकर का तो रूप कैसा है, इस रूप को देखकर ही लोग भाग जाते हैं। इतना अकल्याणकारी भगवान का रूप होते हुए भी वो पूरे समस्त ब्रह्मांड के अधिपति कैसे बन गए, इसका कारण क्या है, तो आचार्य शंकर लिखते हैं, भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। अगर भवानी तुमने उसके साथ पाणी ग्रहण न किया होता, अर्थात तुम्हारा विवाह शंकर के साथ न हुआ होता, तो उनको कोई जगदीश नहीं कहता, वो इस ब्रह्मांड के अधिपति नहीं होते, वो नारायण बने, वो शिव बने, क्योंकि शिवा उनके साथ है। अगर शिवा उनके साथ नहीं होती तो भगवान शंकर इतने अमंगलकारी होते हुए भी पूरी दुनिया के लिए विश्ववंद्य बन गए, ऐसे कैसे बनते। यहां भगवान शंकराचार्य ने नारी का महत्व दिखाया है, नारी शक्ति का अर्थात भगवती का महत्व दिखाया है कि नारी साथ जुड़ जाए तो कैसा भी अमंगलकारी पुरुष हो वो भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दुनिया में बना सकता है। और नारी की ये ताकत है, नारी कैसी भी स्थिति को बदल सकती है। हमारे यहां बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, किसी एक अच्छी स्त्री लेखिका ने ये लिखा था कि हम नारी नदी के समान है, अर्थात हम अपनी मर्यादाओं में बहती है, जब तक हम अपनी मर्यादाओं में बहती है तब तक हम संसार का कल्याण कर सकती है, लेकिन जिस दिन हमने किनारे तोड़ दिए, हमने अपनी मर्यादाएं लांग दी, फिर विनाश से कोई आपको नहीं बचा सकता। अर्थात नारी अगर मर्यादा में रहे तो वो दुनिया के सभी सुख आपको प्रदान कर सकती है, नदी की भांति सबका कल्याण कर सकती है, राष्ट्र का उत्थान कर सकती है, विश्व का कल्याण कर सकती है, लेकिन नारी ने अगर मर्यादाएं तोड़ दी, मर्यादाएं उल्लंघन कर दी, फिर विनाश से आपको कोई नहीं बचा सकता। और इसलिए नारी की मर्यादा आवश्यक है,
हमारे यहाँ जो भंग हुआ है वो नारी की मर्यादा का ही भंग हुआ है, अन्यथा तो हम तो वो लोग हैं भगवान मनु जिनको लोग पानी पी पी कर गालियां देते हैं, वो भगवान मनु। और भगवान मनु क्या लिखते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रम्माण करते हैं। इससे अधिक नारी का महत्व कौन समझा सकता है, इससे अधिक नारी की पूजा के लिए कौन से शब्द, कौन से इतिहास से, कौन से धर्मशास्त्र से, कौन से ग्रंथ से आप उठा कर ला सकते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, देवता उस घर में रम्माण करते हैं जहां नारी की पूजा होती है। इतनी नारी की महिमा केवल सनातन वांग्मय में, केवल सनातन धर्म में, केवल सनातन संस्कृति में अर्थात हिंदू धर्म में की गई है। अन्य अन्य धर्मों में नारी का इतना महत्व कहीं भी कभी भी नहीं बताया गया। बाकी लोग तो वो है जो ईद का चांद भी उगता है तो कहते हैं एक पुरुष ने देखा हो अथवा दो महिलाओं ने देखा हो तभी उसको ईद का चांद माना जाएगा, अर्थात महिला की कीमत आपने पहले से ही 50% घटा दी। उनके यहाँ महिला केवल चीज है, केवल वस्तु है, और इसीलिए उनके यहाँ फारगती है। अंग्रेजों में डिवोर्स है, वो लोग डिवोर्स करते हैं, ये फारगती करते हैं। आपको संस्कृत में डिवोर्स के लिए कोई शब्द नहीं मिलेगा, पूरे संस्कृत वांग्मय में वेद खोज लीजिए, पुराण खोज लीजिए, अरे आप इतिहास ग्रंथ खोज लीजिए, स्मृति ग्रंथ खोज लीजिए, अरे आधुनिक जितने भी आज तक के नाटक नाटिकाएं लिखी गई है उनको भी देख लीजिए, कहीं भी आपको जिसे गुजराती में छुटा छेड़ा कहते हैं, उर्दू वाले तलाक कहते हैं, फारगती कहते हैं या आप डिवोर्स कहते हैं, उसके लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ एक स्त्री जब विवाह करती है तो विवाह के बाद वो भगवान से प्रार्थना करती है, इस जन्म में नहीं मेरे 7 जन्म हो और 7 जन्मों में मुझे यही पति रूप में प्राप्त हो। इससे ज्यादा नारी का महत्व कहाँ हो सकता है। और इतनी बलिदानी महिलाएं, हमारे यहां से लोकमान्य तिलक नाम सब जानते हैं, और तिलक महाराज जब यहां से विदेश पधारे और विदेश में गए तब उनसे पूछा गया कि आपके यहां भारत में पति की प्राप्ति के लिए महिलाएं बहुत सारे व्रत रखती हैं, कुमारिकाएं व्रत करती है कि हमको अच्छा पति प्राप्त हो, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोई पुरुष व्रत करता हो कि मुझे अच्छी पत्नी प्राप्त हो, इसका क्या कारण है। और तिलक महोदय ने बहुत सुंदर जवाब दिया, उन्होंने उत्तर दिया कि हमारी जो महिलाएं हैं वो तो सबकी सब इतनी पवित्र है, इतनी उत्कृष्ट है, इतनी अच्छी है, एक भी महिला हमारी खराब नहीं है, तो अच्छी पत्नी की अपेक्षा क्यों करें, सबकी सब अच्छी है, लेकिन पुरुष ढूंढने हो तो कहना पड़ेगा ये अच्छा है और ये बुरा है, इसलिए पुरुष के लिए व्रत करना पड़ता है, महिला के लिए हमारे यहाँ व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात महिलाओं का गौरव जितना भारतीय संस्कृति ने किया है, इतिहास में आप कहीं भी ढूंढे किसी भी प्रजा ने नारी का इतना गौरव नहीं कहा। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया, नारी तू नारायणी, तू ही नारायणी है। हम वैकुंठ के नारायण की पत्नी नारायण को, नारायणी को तो हम नहीं देख पाते, लेकिन पृथ्वी पर अगर नारायणी का कोई चलायमान स्वरूप है जो दिखता है तो वही हमारी भारतीय नारी है। और उसी भारतीय नारी के लिए हमारे यहाँ भगवान रामचंद्र जी लंका के मैदान में खड़े होकर कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हे लक्ष्मण माँ और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, मुझे ये सोने की लंका अच्छी नहीं लगती। भगवान भी कहते हैं, अरे ईश्वर भी अवतार धारण कर आते हैं तो अपनी माँ और मातृभूमि की महिमा का गान करते हैं, मुझे लक्ष्मण सोने की लंका अच्छी नहीं लगती, मेरे लिए तो माँ और मातृभूमि ही सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए हम लोगों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि नारी जब कहते हैं तो उसमें दुनिया की समस्त नारी की बात आ जाती है। अरे छत्रपति शिवाजी के सामने घटना हुई, उनके ही सैनिकों ने गैर हिंदू मतलब मुसलमान की एक लड़की को उठाकर वहां पर ले आए और कहा जहां पना आपके लिए हम लेकर आए हैं, इसको रख लीजिए। और शिवाजी ने कहा नहीं, ये हम नहीं कर सकते,
ये काम हमारा नहीं है, इनको वापस लौटा दिया जाए और उनको ले जाओ, उनका डोला ससम्मान यहां से वापस जाना चाहिए। और जाने के बाद ये जिसकी बेटी है उनको जाकर क्षमा प्रार्थना करो कि हमसे भूल हो गई है, हम नारी का अपहरण करने वालों में से नहीं। ये है हमारी भारतीय संस्कृति और यह है सनातन धर्म की महिमा, जिसमें नारी के गौरव को अक्षुण्ण रखा गया है। नारी के गौरव के लिए हमारे यहां जान दी गई, जटायु ने अपने प्राण किस लिए गंवाए? क्या लगती थी जटायु और सीता के संबंध क्या था? अरे वो तो पक्षी है, ये सीता तो भगवती जगत जननी मनुष्य का रूप लेकर आई है, नारी का रूप लेकर आई है। और सीता का हरण जब रावण ने करना चाहा और रावण लेकर चला गया और जा रहा था तो जटायु ने देखा और उनसे देखा नहीं गया और जटायु ने कहा जब तक मेरे अंदर प्राण है तब तक सीता का हरण मैं नहीं होने दूंगा। जटायु कूद पड़ा रावण के सामने, पता है कि रावण के सामने मेरी क्या औकात है, लेकिन मैं मर जाऊंगा लेकिन इसका अपहरण नहीं होने दूंगा, ये अनाचार ये अत्याचार ये दुराचार मेरी आंखों के सामने नहीं होने दूंगा। जटायु कूदा, उसने युद्ध किया, रावण ने उसके पंख चीर डाले और जटायु को मार डाला। अंतिम सांस राम जी की गोद में जटायु ने ली, लेकिन जटायु ने कहा जब तक मेरे घट में प्राण है तब तक तू सीता को नहीं ले जा सकता, मैं मर जाऊंगा तभी तू सीता को ले जा सकता है। आज क्या हालत है, आज किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आज के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि नारी तो नारायण नहीं, नारी को पूरी काम वासना का प्रतीक बनाकर तस्तरी में पेश की जाती है। और इसीलिए हमको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि स्त्री साधारण नहीं है। स्त्री को आप केवल शारीरिक रूप से न देखें, ये स्त्री संस्कृति की करोड़ रज्जु रीढ़ की हड्डी होती है। अगर संस्कृति को बचाना है, अगर सभ्यता को बचाना है, अगर सनातन धर्म को बचाना है, अगर आप धर्म की रक्षा की बात करते हैं तो उस धर्म की रक्षा की रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो उसका नाम नारी, उसका नाम स्त्री है। और इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि हमारे यहाँ चार आश्रम हैं। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है और फिर संन्यस्त आश्रम होता है। लेकिन इस चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो आचार्य शंकर भले सन्यासी थे लेकिन सन्यासी भगवान शंकराचार्य लिखते हैं धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम ही धन्य है क्योंकि बाकी के तीनों आश्रम इसी के ऊपर अवलंबित है। ब्रह्मचारी को भिक्षा कौन देगा? ब्रह्मचारी भिक्षा लेने के लिए जाता है तो क्या पुकारता है? ओम भवती भिक्षां देही, हे भवती अर्थात हे जगत जननी तू दारी स्वरूपा जो घर में है वो मुझे भिक्षा दे। गृहस्थाश्रम में तो पति का भरण पोषण, पति को खिलाना पिलाना कौन करता है? अगर घर वालों को परिवार वालों को भोजन कौन करता है? अन्नपूर्णा भगवती जो साक्षात देवी है वही अन्नपूर्णा का स्वरूप घर में हमारा पाक बनाने वाली होती है और वही पाक बनाकर खिलाती है। अरे अगर कोई वानप्रस्थ हो जाए, बूढ़ा हो जाए तो उसको खिलाने पिलाने के लिए कौन आएगा? हमारी संस्कृति होटल की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ वो माँ खिलाती है, वो पत्नी खिलाती है, वो बहन खिलाती है, वो बेटी खिलाती है, उसके स्वरूप भिन्न भिन्न है लेकिन नारी स्वरूपा वो एक ही अन्नपूर्णा होती है। और अगर कोई संन्यास ले ले तो सन्यासी को अग्नि को स्पर्श करने का अधिकार नहीं होता, पांच घर में जाकर मधुकरी करके भिक्षा मांगनी पड़ती है तो वो भिक्षा लेने के लिए आता है और कहता है ओम भवती भिक्षां देही, तब भवती ही आकर उसको भिक्षा कराती है। अर्थात तीनों आश्रम जिसके ऊपर अवलंबित है वो अगर कोई है तो वो गृहस्थाश्रम है। और गृहस्थाश्रम किसके कारण है? केवल हमारी नारी के कारण है। अगर स्त्री नहीं है तो गृहस्थाश्रम कहां से आएगा? नारी नहीं है तो गृहस्थ बनेगा कौन, कैसे बनेगा? और इसलिए किसी ने बहुत सुंदर बात लिखी, गुजराती में लिखा उन्होंने कि 25 पुरुषों भेगा थाय अने एक जग्याए रहता होय तो अने धर्मशाला कहवाय, पण एक स्त्री ने एक पुरुष भेगा रहता होय तो अने घर कहवाय। हिंदी में कहा जाए तो अगर 25-50 पुरुष एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं तो उसे सराय कहते हैं, धर्मशाला कहते हैं, लेकिन एक स्त्री और एक पुरुष अगर साथ में रहते हैं तो उसका नाम घर है। गृहिणी गृहमुच्यते, घरवाली के कारण ही घर होता है। अगर घरवाली नहीं होती उनके घर की जरा दशा देखिए, आप जाकर देखिए कैसे रहते हैं लोग, ढंग बेढंग भरते हैं, घूमते हैं,
उनका रहने का, खाने का, पीने का, उठने का, सोने का कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए घर किसके कारण है? घरवाली के कारण है। गृहिणी गृहमुच्यते। और ऐसी जब भारतीय संस्कृति में नारी की महिमा की गई तो नारी मर्यादा का स्वरूप है, लज्जा उसका आभूषण है। नारी नाम आभूषणम लज्जा, नारी का आभूषण ही लज्जा है। अगर लज्जा का वो त्याग कर दे, और आज यही हो रहा है, हम भूल गए हैं कि हमारी मर्यादाएं क्या है, हम भूल गए हैं कि लज्जा किसे कहते हैं, हमको ये चाहिए ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। और मुझे तो बहुत दुख होता है कि आजकल की हमारी औरतें, हमारी जो स्त्रियां हैं, हमारी जो वधुएं हैं, हमारी जो बूढ़ी न माने तो लेकिन युवा स्त्रियां जो है वो अपनी बेटियों के लिए ये व्यवस्था कर देती है, कहती है तुम पार्टी करो, तुम मतलब शॉर्ट कपड़े, बहुत टूंके वस्त्र, कम वस्त्र पहनो, उनको पहनाती भी है, उनके लिए पार्टी का आयोजन करती है, वो बाहर घूमने जाए तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, क्या आप अपने वस्त्र निकाल कर अपने शरीर का प्रदर्शन करें तभी आप अपने रूप से ही अपने आप को प्रस्थापित कर सकते हैं? क्या यह सही है? कारण क्या है? कारण यह है कि स्त्री अपने आप को देहात्म भाव से मानती है, वो अपने रूप को ही सर्वस्व मान बैठी है। और ऐसा कतई नहीं है। हमारे यहां रूप की महिमा जरूर है, लेकिन केवल रूप की महिमा नहीं। आप रूपवती हो यह आवश्यक है, लेकिन आप रूप के कारण, रूप को निखारने के लिए, आजकल तो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ये सब जो चल पड़ा है, ये हमारी संस्कृति के लिए हानिकारक है। ये आज नहीं तो कल तुम्हारी संस्कृति को नष्ट करने के प्रयोग किए जा रहे हैं। वो विदेशी लोग जो अपने बाप को जानते नहीं, वो लोग हमारे यहां आकर हमको सिखा रहे हैं कि तुम्हारी स्त्रियों के ऊपर तुमने लगाम कस के रखी है, तुम उनको बाहर नहीं निकल देते, उनके ऊपर तुमने मर्यादाएं बांध रखनी है, तुमने स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं दिया। स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में भेद है। नदी अपनी मर्यादा में बहे उसी का नाम स्वतंत्रता है, और नदी अगर मर्यादा के बांध तोड़कर विनाश चारों ओर कर डाले उसी का नाम स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता परोसने वाले जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें, जो उनके यहां होता है वो हमारे यहां कतई नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि भारत में स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं है, भारत में प्रधानमंत्री भी आज की स्थिति में नारी हुई और राष्ट्रपति भी प्रतिभा पाटिल स्त्री हुई, आप बताइए अमेरिका में आज तक किस स्त्री ने प्रेसिडेंट के रूप में कभी उनका अभिषेक हुआ ऐसा देखा आपने? कभी शपथ विधि हुई ऐसा देखा आपने? अरे अरब के इतने कंट्री हैं, किस कंट्री में उनको प्रमुख पद दिया गया? ऐसा नहीं होता। और इसलिए हमारे यहां नारी की जितनी महिमा है और जितनी मर्यादा में स्वतंत्रता है उतनी और किसी समाज में नहीं है। अभी अभी अफगानिस्तान का उदाहरण ले लीजिए। अफगानिस्तान में तालिबान लोग आए और औरतों की क्या हालत हुई, महिलाओं की क्या हालत हुई, स्त्रियों की क्या हालत हुई, मीडिया वाले दिखाए या न दिखाए आप जरा सर्च करके देखिए कि क्या हाल है वहां पर। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितनी भारतीय समाज ने स्त्रियों को अलंकृत की है ऐसा किसी ने अलंकृत नहीं किया। ये भारतीय समाज की गरिमा है, ये भारतीय शास्त्रों की निष्ठा है, और वो वुमन साइकोलॉजी को पूरी तरह जानते हैं, इसलिए उनकी मर्यादा के लिए कहते हैं कि मर्यादा ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बाकी तो आप देखें मर्यादा का उल्लंघन किस तरह से हो रहा है। एक सीता थी हमारे यहां, भगवती सीता। अरे तुलसीदास जी तो लिखते हैं कैसी सीता है, सीन दीन पग अवनी कठोरा। सीता जी अपने बिछौने से जब नीचे पैर रखती थी तो नीचे पैर वैसे ही नहीं रखती थी, उनके पैर रखने से पहले गालीचे बिछा दिए जाते हैं और उसके पैर रखने से पहले गुलाब की पंखुड़ियां वहां पर डाली जाती थी, क्योंकि उनको धरती भी कठोर लगती थी, अगर पृथ्वी पर पैर रख दे तो उनके पांव में छाले पड़ जाते थे। कितनी कोमलांग रही होगी सीता। और वो सीता जब समय आया और राम जी ने कहा मैं वनवास जा रहा हूं, मुझे वनवास हुआ है, और वनवास के लिए राम जी उद्यत हुए, तो सीता ने कहा मैं भी आपके साथ चलती।
राम जी ने कहा तुम कहां जाओगी? सीता ने कहा आपने कभी देखा कि कोई व्यक्ति चला गया और परछाई पीछे छूट गई? ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, मैं आपकी परछाई हूं, आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। कभी कोई बेल वृक्ष के बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना मेरा अस्तित्व संभव नहीं है। और मैं राज्य के लिए नहीं आई, मेरा लोभ राजरानी बनने का नहीं है। और अवध वहां जहां राम निवास हूं, अरे जहां राम जी है वहीं अयोध्या है, और राम जी अगर वन में हैं तो मेरी अयोध्या वन है। मेरे लिए अयोध्या का महत्व नहीं है, मेरे लिए राम जी का महत्व है। इसलिए प्रभु मैं आपके साथ चलूंगी। और भगवान, कथा आपको पता है, भगवान राम जी लक्ष्मण के साथ सीता जी के साथ वन की ओर चलने के लिए उद्यत हुए। अभी तो 7 कदम चले थे और सीता जी ने राम जी को पुकारा और कहा प्रभु आर्यपुत्र दंडकारण्य कितना दूर है? और राम जी ने पीछे मुड़कर देखा और राम जी ने कहा अभी तो 7 कदम चली है, अभी तो गांव की सरयू भी पार नहीं हुई, और ये पहले से कह रही है कि प्रभु दंडकारण्य कितना दूर है। और जैसे ही उन्होंने सीता जी की और प्रश्नवाचक स्वरूप में देखा तो सीता जी कहने लगी प्रभु मुझे ऐसा लगा शायद आपको थाक लगा हो, थकान हुई हो, इसलिए मैं तो आपकी चिंता कर रही हूं। कहने का मतलब है ये भारतीय संस्कृति की नारी है, और तब नारी नारायणी है। कहीं भी जाए और कहीं भी कुछ भी करके आ जाए वो नारी नारायणी नहीं है, क्योंकि हमारे यहां नारी का एक ही स्वरूप ऐसा नहीं है। मंथरा भी यहां हुई है, हिडंबा भी यहां हुई है, शूर्पणखा भी हुई है, लेकिन नारायणी कब है? जब वो मर्यादा का पालन करे तब वो नारायणी। भारतीय संस्कृति में इसलिए प्रत्येक महिला में हम नारायणी को देखते हैं। वो अपना स्वरूप शूर्पणखा के रूप में प्रकट करे तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा मानना है वो नारायणी है, वो शिवा है, वो ब्रह्माणी है। तुम अपने आप को जो समझते हो वो खुद प्रकट करो, क्योंकि आजकल की हिडंबाएं कहती है हमें नारायणी से लेना देना नहीं है, सीता हमारी आदर्श नहीं है, तो तुम्हारी आदर्श कैकेयी होगी। और जब कैकेयी की बात आती है आपको पता है, और आजकल तो हर जगह पर बैनर लगा दिए नर और नारी एक समान, नर और नारी किसमें एक समान है भैया? पुत्र को जन्म देने में एक समान है, रजस्वला होने में समान है, शारीरिक अंग से समान है, किस प्रकार नर और नारी एक समान है? ये समानता ही भ्रांति है। नारी का स्थान नर से कई गुना ऊंचा है, उसको नीचे क्यों लाना है आपको? और इसलिए नर और नारी तो एक समान है ही नहीं, लेकिन आदर्श ये स्थापित होता है कि नारी अर्थात पत्नी पति को प्रणाम करती है, और इन लोगों के पेट में वहीं पर चुभन आती है कि पत्नी पति को क्यों प्रणाम करती है, तो किसको करे? पत्नी पति को प्रणाम न करे तो क्या करे? तो पति पत्नी को प्रणाम करे क्या? और पत्नी अगर पति को प्रणाम करता है तो इतिहास में एक ही उदाहरण है, और वो राजा दशरथ ने कैकेयी के चरणों में जाकर प्रणाम किया कि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, तुम अपनी जिद छोड़ो और राम को वनवास मत दो, चाहे भरत को गादी दे दो। 17 लाख वर्ष हो गए इस घटना को, आज तक 17 लाख वर्ष में किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। आपने सुना कभी अरे नाम तो ना रखे तो ना सही? आपने कहीं देखा कैकेयी साड़ी सेंटर ऐसा किसी दुकान का नाम देखा आपने? आपने कहीं पर देखा शूर्पणखा आइसक्रीम सेंटर? क्यों नहीं है? आपने कहीं देखा हिडंबा मावा मलाई सेंटर? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे आदर्श नहीं बन सकती। हमारे आदर्श सीता है, हमारी आदर्श राधा है, हमारी आदर्श मीरा है, हमारी आदर्श भामती है, हमारी आदर्श रानी अहल्याबाई है, हमारी आदर्श भगवती भारती है। भगवान शंकराचार्य गए और भगवान शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से संवाद किया, और संवाद में जब वो स्थिति उच्च शिखर पर पहुंच गए कि कौन हारा कौन जीता नहीं कह सकते, तब उभय भारती ने कहा भले ही आप जीत गए हो लेकिन जब तक मुझे आपने नहीं हराया, क्योंकि मैं इनकी अर्धांगना हूं और जब तक मुझे नहीं हराते मैं मेरे पति को हारता हुआ नहीं देख सकती। ये होती है अर्धांगना, और अर्धांगना खड़ी हो गई। ये लोग जो कहते हैं कि भारतीय समाज में स्त्रियां अनपढ़ रही, उनको जरा दिखाओ कि आज 100-2500 वर्ष पहले दुनिया की प्रथम न्यायाधीश अगर कोई थी तो उसका नाम उभय भारती था, और उभय भारती ने न्यायाधीश के पद पर बैठकर कहा कि आचार्य शंकर का विजय हुआ है, अपने पति को पराजय में उसने देखा। ये उसकी सच्चाई भी थी, ये उसका न्याय भी था, ये उसका आदर्श भी था, और तब हम उभय भारती को वंदन करते हैं। रानी अहल्याबाई होलकर, इंदौर की महारानी, उनके पति
29 साल की उम्र थी और विधवा हो गई। दारू की लत में लड़ने के लिए गए, गोली लगी, वो मर गए। और मरने के बाद, पति के जाने के बाद, राज्य की धुरा अपने हाथ में ली और राज्य की जो इनकम थी वो कई गुना उन्होंने बढ़ाई, अच्छा सुशासन प्रस्तुत किया। आज भी भारत में 300 शिव मंदिर और हजारों अनेकों मंदिर जहां पर रानी अहल्याबाई होलकर के दान की सरिता के कारण पूरे के पूरे हिंदुस्तान का जैसे नवनिर्माण हुआ हो। सोमनाथ में जाओ, अहल्याबाई का बनाया हुआ मंदिर, बद्रीनाथ में जाओ, अहल्याबाई का बनाया हुआ मंदिर, केदारनाथ में जाओ, रामेश्वरम में जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, अहल्याबाई होलकर, ये होती है सुशासक। और जिस दिन रानी अहल्याबाई ने 66 साल की उम्र में अपने प्राण छोड़े तब पूरा भारत रोया था। कहने का मतलब ये है कि ये होती है नारी जो कुछ करके दिखाती है, और इसलिए भारतीय समाज उसको गौरव देता है, नारी तू नारायणी। इसलिए हमारी वो नारायणी है, हमने उनको सम्मान दिया है। जो लोग कहते हैं कि विदेशों में नारी का सम्मान है, यहां नहीं है, वो जरा देखें। अभी अभी कुछ दिन पहले गार्गी जी ने बहुत सुंदर बात हमसे बताई कि यहूदियों में जो धर्म गुरु होते हैं उसको रब्बी कहा जाता है, और जो रब्बी है यहूदियों के, उस रब्बी ने एक बात, एक स्टेटमेंट अभी थोड़े दिन पहले किया है। मैं विश्व की संस्कृतियों के लोगों को आपसे आज के तौर पर परिचित करवाता हूं। यहूदियों में जो उनके रब्बी हैं, धर्मगुरु हैं, उनका ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जो नैवेद्य की पाकशाला होती है, मतलब जहां नैवेद्य भगवान के लिए बनाया जाता है, उसकी सुपरवाइजर भी किसी स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इससे इमोरालिटी की संभावना बढ़ जाती है, वहां अपवित्रता की स्थिति पैदा हो जाती है। जब भारतीय शास्त्र कहता है, भारतीय धर्म कहता है कि रजस्वला को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तब आपको वो मंजूर नहीं है। तब कहते हैं ये तो प्रकृति की देन है। प्रकृति की देन का मतलब क्या है? प्रकृति की देन है तो क्या पवित्रता आवश्यक नहीं है? अपवित्रता और पवित्रता की समझ आपको है कि नहीं है? अगर आप लैट्रिन और बाथरूम में जाते हैं तो हाथ क्यों धोते हैं? वो भी प्रकृति है, लेकिन हाथ धोना पड़ता है, इसी का नाम पवित्रता है। और यहूदियों ने कहा तो दुनिया में कोई भी नर नारी एक समान कहने वाला नमूना वहां पर विरोध करने के लिए नहीं गया। इसी प्रकार एक दूसरी घटना हुई। इजिप्त का जो इमाम है वो और वेटिकन सिटी, मतलब क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा सेंटर, और वेटिकन सिटी का जो पोप होता है, पोप फ्रांसिस आजकल है, वो जो पोप होता है वही ईसाई धर्म का सबसे बड़ा नुमाइंदा माना जाता है। वो पोप और इमाम, इन दोनों की मीटिंग हुई और उन दोनों ने एक अलग से संगठन बनाया है और उसका नाम है क्रिस्लामिक। क्रिस्लामिक, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों को मिलाकर क्रिस्लामिक नाम का संगठन बनाया गया। और उन्होंने यह संगठन बनाने के बाद अबू धाबी में चर्च बनाने की घोषणा की और वेटिकन सिटी में मस्जिद बनाने की घोषणा की, और दोनों अपनी अपनी जगह पर बनाएंगे। अब आप सोचिए, विश्व की ये दोनों बड़ी प्रजातियां आज की स्थिति में हैं। पहले नंबर पर इस्लाम है और सेकंड नंबर पर मुसलमान है। ये दोनों एक हो रहे हैं किसके लिए? आपको मिटाने के लिए, हिंदुओं को मिटाने के लिए। क्यों ये दो एकत्रित हुए? हिंदुओं के धर्मगुरु को क्यों नहीं बुलाया गया? ये दोनों ही एक हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनको ये खटक रहा है, उनको ये खल रहा है, उनको ये चुभ रहा है। वो ये चाहते हैं कि हिंदुओं को नष्ट किया जाए। और ये नष्ट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम सनातन हैं, हमारी संस्कृति सनातन है, हमारा धर्म सनातन है, इटरनल है, शाश्वत है, बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस है। हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है, हमारा धर्म सबसे पुराना है, ये कभी भी मिट नहीं सकता दुनिया से। और इसको मिटाने वाले सारे आज तक मिट गए, इसको मिटाने के लिए ही सब एकत्रित हुए हैं। और वो जब एकत्रित हुए हैं तो उन लोगों ने ये सब करने के बाद उस इमाम का एक स्टेटमेंट आया है और उस इमाम ने कहा है, इमाम कह रहा है कि मुस्लिम युवतियों को कभी भी दूसरे धर्म में, मजहब में विवाह नहीं करना चाहिए। हाँ, मुस्लिम युवा अगर किसी और धर्म में शादी करता है तो वो हमको मंजूर है। आप देखिए, जो लव जिहाद की बात चल रही है उसमें ये प्रमाण है,
ये कह रहे हैं कि हमें हमारी युवती बाहर न जाए, दूसरे लोगों की युवतियों को हम ले आएंगे। इसका मतलब साफ साफ आपके सामने। और आप आजकल जो लोग अपनी कन्याओं को इतनी सारी छूट दे रखते हैं, आपको जहां शादी करनी हो करो, आप जहां जाना है जाओ, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, ना ही अच्छा संदेश है। हिंदू कन्या आर्य रमणी क्या होती है, आप देखिए हमारे चरित्र, वरानी वीरमती को देखिए। अरे अपने पति जो मुसलमानों के साथ घुल मिल गया और जाकर, कृष्णदेवराय उनका नाम था, और वो सैनिक अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों के साथ मिल गया, और जब गया उनको वो गुप्त माहिती प्रदान करने वाला था, और तब उसकी पत्नी वीरमती अपने कपड़े बदलकर पुरुष वेश धारण कर उसके पीछे पहुंच गई, और जैसे ही उसने देखा कि वो मुसलमान सैनिक आ रहा है और इन दोनों की मीटिंग होने वाली है, उसने अपने पति की अंदर छाती में कटार चला दी और उसको मार डाला। वो नीचे गिर गया और उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी, माफ करना, मैं रास्ता भटक गया था, मैं इसी लायक था और तुमने मुझे मारकर अच्छा काम किया। और वो रुकी नहीं, उसने वही कतार निकाली, और मैंने अपने पति की हत्या की है तो मुझे भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। खुद कटारी खाकर उसने भी अपने प्राण त्याग कर दिए। ये होती है संस्कृति, ये होती है सभ्यता, ये होती है मर्यादा। हम राष्ट्र के विरोध में अगर अपना भी आदमी, धर्म के विरोध में अपना भी व्यक्ति अगर काम करता है तो उसको हमारी नारियां छोड़ती नहीं, और अगर उनसे खुद से पाप हो जाए तो अपने आप को भी वो सजा दे देती है। ऐसी स्थिति हमारे यहां होती है। आजकल विषय तो कई हैं, शबरीमाला में प्रवेश का विषय हो, त्र्यंबकेश्वर में रजस्वला स्त्रियों के प्रवेश का विषय हो, ये सारे बातें उत्पन्न करवाई जाती है लोगों को उकसाकर, कोई अपने जो एजेंट हैं, दलाल हैं, उनके द्वारा उकसाकर उनको भेजा जाता है और उनके पास से ये मामले खड़े करवाए जाते हैं, क्योंकि हम सबको उनको उसमें से निकालना है। और इसीलिए आजकल एक और मुहिम आप सबके अगर ध्यान में होगी, बहुत समय पहले से चल रही है, स्त्रियों को शंकराचार्य क्यों नहीं बनाया जाता, और वो लोग कहते हैं महिला को शंकराचार्य बनाओ। आजकल दो महिलाएं शंकराचार्य लिखने भी लगी है और वो अपने आगे शंकराचार्य लिखते हैं। एक तो नेपाल की कोई त्रिवेणी माता करके हैं, वो खुद को शंकराचार्य कहती है, और वो जो शंकराचार्य के पद पर उनका अभिषेक पद नहीं है शंकराचार्य उनका, लेकिन वो खुद को जब कहती है नकली शंकराचार्य के रूप में भी, और खुद अभिषेक करवाती है, तो उसको अभिषेक करवाने वाले और कोई नहीं है, जो हिंदुत्व का झंडा लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं वही लोग नकली शंकराचार्य बना रहे हैं और स्त्रियों को भी शंकराचार्य बनाने की बात कर रहे हैं। पहले सोचना चाहिए शंकराचार्य पद क्या है। अरे आपने देखा कभी कोई पोप स्त्री बनी आज तक, कोई इमाम स्त्री बनी, क्यों नहीं बना? वहां आप क्यों नहीं जाते, वहां क्यों आप नहीं कर सकते? यहीं पर आकर सारे वितंडावाद आपको खड़ा करना है और ये गलत है। कभी समय होगा तो इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे, अभी तो खाली आपका ध्यान इंगित कर रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारी स्त्री देहात्म भाव से ऊपर उठे, वो अपने आप को शरीर केवल ना समझे। आप जितनी एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखेंगे या जितनी फिल्म देखेंगे, जितनी सीरीज, आजकल सीरीज का बहुत बड़ा वो बढ़ गया है, और जितनी सीरियल देखेंगे, सब में एक ही बात आती है, स्त्री का रूप उसको सजा धजा कर उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करना। एक भी एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई स्त्री ना हो। दाढ़ी करने की, दाढ़ी बनाने की, ब्लेड की एडवर्टाइजमेंट भी एक महिला आकर करती है कि फलानी फलानी ब्लेड से आप दाढ़ी करिए तो आपकी सेविंग अच्छी होगी। जिसने जीवन में कभी सेविंग नहीं की वो हमको बताएगी कि आपको सेविंग कौन सी ब्लेड से करनी है। आप समझने के लिए आप समझ लीजिए कि स्त्री को केवल रूप के रूप में परोसा जाता है और स्त्री अपने आप को केवल देहात्म भाव से प्रस्तुत करके खुद का जो लक्ष्य है उसके भूल चुकी है और इसी कारण नारी की अधोगति हो रही है। इसलिए तुम केवल देह नहीं हो। अगर कोई तुम्हें देह के रूप में प्रस्तुत करता है
तो केवल देह के रूप में प्रस्तुत होना तुम्हारी मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन तुम अपने आप को उसमें प्रसन्नता अनुभव करती हो तो ऐसा कतई नहीं हो सकता। अरे कौन सा आदर्श था हमारा, भगवान राम वन से वापस आए और भगवान ने कहा आज हमारा राज्याभिषेक हो रहा है, राज्याभिषेक के बाद परिवार के सारे जनों को कोई ना कोई गिफ्ट दी जाती है, तो वो कुछ ना कुछ देने के लिए बैठे थे, इसको ये दिया, इसको वो दिया, इसको वो दिया, तो सारे लोग जब उनके पास आए और भगवान सबको बांट रहे थे और उस समय श्रुतकीर्ति भगवान के पास पहुंची। श्रुतकीर्ति यानी शत्रुघ्न की पत्नी, और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति भगवान के पास पहुंची, भगवान को प्रणाम किए और राम जी ने कहा बेटा क्या चाहिए, मांग लो, आज हम राजा बने हैं, तुम जो चाहो हम देने के लिए तैयार हैं। और श्रुतकीर्ति ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, एक वस्तु की अपेक्षा करती हूं, अगर हो सके तो मुझे इतना दान दे दीजिए। अरे दान नहीं, ये तो भेंट है, मैं आपको देना चाहता हूं, आप मांगिए और निसंकोच होकर मांगिए। और श्रुतकीर्ति ने कहा भगवान आप 14 वर्ष वन में रहे और जो वल्कल वस्त्र आपने पहने थे वो वस्त्र मुझे भेंट कर दीजिए। ये होती है महानता, ये होता है आदर्श। भामति का चरित्र देखिए, वाचस्पति मिश्र शादी हो गई और विवाह के बाद 30 साल तक वो वेदांत के ऊपर भाष्य लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे, ब्रह्मसूत्र के ऊपर पूरा भाष्य 30 साल तक लिखते रहे। और 30 साल के बाद जब उनका भाष्य समाप्त हो गया, 30 साल कर उनकी पत्नी केवल सेवा करती रही, कभी कोई वस्तु उसने नहीं मांगी और उनको केवल तेल का दिया है, उस दिए में तेल डालना, उनके आगे भोजन रख देना, वो भोजन करते, वापस अपने काम में जुड़ जाते, उनको पता ही नहीं था भोजन कहां से आ रहा है और दिया कौन जला रहा है। 30 साल के बाद जब ग्रंथ परिपूर्ण हो गया और उसी समय दीप ने विराम लिया और जैसे ही दिए की वाट संकोरने के लिए उसमें तेल डालने के लिए दौड़ती हुई भामती आई और भामती तेल डालने गई तब दिया बुझ गया और उन्होंने देखा ये कौन खड़ा है। और जैसे ही वाचस्पति मिश्र की नजर पहुंची और उसने दिया प्रगटाया और दिया प्रगटाते हुए भामती ने कहा क्षम्यताम प्रणाम प्रभु माफ करिए मैं इतनी सेवा नहीं कर पाई कि दिया बुझ गया। और वाचस्पति मिश्र ने कहा देवी आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता। अब उसकी पत्नी है और वो कह रहे मैं आपको नहीं जानता। भामती को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। भामती ने कहा हो सकता है प्रभु आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपकी पत्नी। अरे तुम मेरी पत्नी हो, मेरा विवाह हो गया। बोले हाँ प्रभु आपका कब हुआ। बोले 30 साल हो गए और 30 साल से तुमने क्या किया। बोले मैंने बस आपका भोजन बनाया, आपका ये दिया चलाया, आप लिखते रहे, मैं देखती रही, बस मेरे पति इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और मैं इसमें सहयोग नहीं दे सकूं। और वाचस्पति मिश्र की आंखों से अश्रु निकल गए और वाचस्पति मिश्र ने कहा ये जो वेदांत का मैंने भाष्य लिखा है आज इसका नामाभिधान करना है तो मैं इसका नाम रखता हूं भामती टीका, और भामती के नाम से वो आज भी प्रसिद्ध हो। ये होती है सेवा, ये होती है मर्यादा। आजकल हम इन सब को भूलकर किस रास्ते पर चल पड़े हैं। कॉलेज में भिन्न भिन्न डे मनाए जाते हैं, कहीं वैलेंटाइन डे होता है, कहीं फ्रेंडशिप डे होता है, कहीं चॉकलेट डे होता है। ये सब डे हमारी संस्कृति का ह्रास कर रहे हैं और यही लोग आकर हमको परेशान कर रहे हैं। और ये जो छूट आप दे रहे हैं यही छूट आपको विघातक होकर आपकी संस्कृति के ऊपर प्रहार कर रही है। और इसी कारण से आजकल ये इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि फलाने की बच्ची भाग गई, फलाने का बच्चा भाग गया, दोनों ने शादी कर ली, आपको पता ही नहीं है। ये आपके माँ बाप की इज्जत जिन्होंने धूल धूसरित कर दी और ये कारण आप स्वयं हैं। आपने ही इस प्रकार से वातावरण बनाया है कि जो मुझे नहीं मिला मैं मेरी बेटी को देना चाहता हूं। क्या नहीं मिला तुमको, ये तुमको यही तो चाहता थे तुम कि तुम बहुत छोटे वस्त्र पहनो। क्या तुम यही चाहते थे कि तुम्हारे नाम पर यही दंग धरा मनमानापन चलता रहे, दारू पीते रहो, 31 दिसंबर मनाते रहो, ये करना था तुमको। मैं नहीं कर पाया मेरी बेटी तो करे, ये करवाना था तुमको बेटी से। और ये करवा कर तुमने बड़ी गलती की है, इसका परिणाम तुम भुगतने के लिए तैयार रहो, ये न हो। इसलिए तुम आदर्श पढ़ाओ, उनको बताओ कि हमारा आदर्श सीता है, हमारा आदर्श
भामती है, हमारा आदर्श सुतकीर्ति है, राधा है, हमारा आदर्श रुक्मणी है, हमारा आदर्श मीराबाई है। हम आदर्श को अगर भूल गए और भटक गए तो आपको बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। और इसलिए हम अगर पूजा करेंगे तो ऐसी सुरपनखाओं की, कैकेयियों की, हिडंबाओं की, इनकी पूजा न करेंगे। हम मंत्राओं की पूजा नहीं करेंगे, हम करेंगे नर को जो नारायण बना सके वैसी नारायणी की पूजा करेंगे। नारी वस्तुतः नारायणी है, उसको ये भान करवाना चाहिए कि तुम साधारण देह नहीं हो, तुम केवल भोगने की वस्तु नहीं हो, तुम नारायणी हो, तुम साक्षात लक्ष्मी हो, तुम साक्षात शिवा हो, तुम ही हरती फरती घर में जो दुर्गा है वो तुम दुर्गा हो, झांसी की रानी दुर्गा का साक्षात स्वरूप, हाथ में तलवार शमशेर लेकर 1600 अंग्रेजों के मुंड जो काट डालती है वो झांसी की रानी तुम ही हो। तुम अपने आप को भूलकर कहीं ऐश्वर्या राय बनने के चक्कर में इनका मार्ग न बदल दो। इसलिए ढोलक के ऊपर नाचना, थिरकना और अलग अलग वाजिंत्रों के ऊपर डांस करना और माँ बाप तालियां बजा रहे हैं, मेरी बेटी नाच रही है, क्या तुम नचनिया बना रहे हो, तुमको ये नहीं बनाना है। तुम अपनी बेटियों को वीरांगना बनाओ, उनको भक्तिमती बनाओ, उनको सती बनाओ, उनको साध्वी बनाओ, तभी ये सूत्र सार्थक होगा। नारी तू नारायणी।